फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी दो ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो नर्सरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इनकी मदद से छोटे प्लांट में भी फूल आ जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। कभी पत्ते पीले नहीं पड़ते हैं, प्लांट हेल्दी विकास करता रहता है, साथ में फूलों का आकार भी बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो सभी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं, फूलों से भरे हुए रहते हैं, छोटे छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट भी फूल देते हैं। तो हम अक्सर दिमाग में आता है कि ये ऐसा क्या डालते हैं जिससे कि इतनी अच्छी फ्लोरिंग होती है। तो आज मैं आपको उन दो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनको डालने से प्लांट में बहुत जल्दी फूल आते हैं और प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहता है। प्लांट को फूल देने के लिए हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होता है और हम ये कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो नर्सरी वाले करते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिससे कि प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस मिलता है। साथ में जो पत्ते पीले पड़ने की समस्या होती है, जब हम नर्सरी से प्लांट घर में लाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं करता है और उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो उसे रोकने के लिए भी नर्सरी में एक फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कितनी क्वांटिटी में उसका यूज़ करना है और वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में करूँगी। तो पहला जो फर्टिलाइज़र है, इसको डालने से प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं और प्लांट की जो तने हैं, स्टेम हैं, उनमें मजबूती आती है, प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं और बहुत सारी फ्लॉरिंग होती है। तो ये फर्टिलाइज़र है जो कि नर्सरी में यूज़ होता है, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसको डालने से प्लांट में गजब की फ्लॉरिंग होती है। ये सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले आप इसका यूज़ जान लीजिए कि इसे कैसे यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको पानी में लिक्विड बनाकर और फिर यूज़ करें प्लांट में, या फिर आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल दें। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से इन दानों को मिट्टी में डाला जाता है। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। ये दाने डालने के पहले आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और फिर उसमें आपको 7 से 8 दाने पॉट की साइज़ के हिसाब से इस तरह से आपको मिट्टी में मिला देने हैं और उसके बाद इसे ढक देना है। मिट्टी से ढकने के बाद आप इसमें पानी डाल दें। तो ये तो पहला तरीका है DAP यूज़ करने का। दूसरा तरीका है, आप 1 लीटर पानी में 5 से 6 दाने भीगने के लिए रख दें और उस पानी को 7 से 8 घंटे बाद प्लांट पर यूज़ करें। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र है, ये एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये प्लांट को स्वस्थ करता है, साथ ही इस पत्तियाँ जो पीली होती हैं उनको पत्तियाँ को पीली होने से रोकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नर्सरी में। और इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, साथ ही डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आप ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं या प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है, चाहे आप फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधों पर डाल रहे हों, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, इनमें इस एप्सम सॉल्ट का और DAP का यूज़ करने से बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं और प्लांट छोटे पौधों में भी फूल देता है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप भी इन दोनों फर्टिलाइज़र का प्लांट में यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, साथ ही उनमें फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।